हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुजासा टेक्नोलॉजीज़। आज हम मैग्नेटिक डोर कॉन्टैक्ट स्विच के बारे में जानेंगे। इसको हम रीड स्विच भी बोलते हैं। देखिए, मेरे पास है ये स्विच। देखिए, इसमें क्या होता है, दो पार्ट होता है। एक होता है हमारा बेस जो होता है, एक होता है मैग्नेट। तो इसमें क्या है, दो तरह का होता है ये। देखो, इसमें क्या होता है कि एनो होता है और एनसी होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं और इसमें दो दो तरह का होता है ये, कि एनो टाइप होता है एक और होता है एनसी टाइप। तो एनो टाइप में क्या होता है, एनो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन और एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। तो नॉर्मली ओपन का मतलब क्या है कि जब ये दोनों पास में रहेंगे, तो ये नॉर्मली ओपन रहेगा। नॉर्मली ओपन मतलब इससे आउटपुट नहीं जाएगा, ठीक है। और जब ये दूर जाएगा तो आउटपुट से जाएगा, मतलब इससे हम अगर इसके थ्रू कोई भी चीज़ कनेक्ट करते हैं और ये दोनों पास में रहता है तो वो चीज़ बंद रहेगी, नहीं चलेगी, ठीक है, आउटपुट नहीं जाएगा। जैसे ही ये दूर जाता है वो चीज़ ऑन हो जाएगी, आउटपुट चला जाएगा। तो ये होता है हमारा एनो टाइप। एनसी टाइप में क्या होता है, एनसी टाइप का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। नॉर्मली क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, जब ये पास में रहेगा, दोनों पास में रहेंगे एकदम, तब हमारा आउटपुट जाएगा, मतलब हमारी वो चीज़ चलेगी। और जैसे ही ये दूर जाता है वो चीज़ हमारी बंद हो जाएगी, वो चीज़ नहीं चलेगी, आउटपुट नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास ये है एक, ये जो है मेरे पास ये कॉन्टैक्ट, इसमें दोनों है ये एनओ और एनसी दोनों से, दोनों में इसमें दोनों ही है। एनओ भी हम ले सकते हैं इससे, एनसी भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट आते हैं जो एनओ अलग आते हैं, एनसी अलग आते हैं। जैसे मेरे पास एक दूसरा एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट स्विच है, इसमें क्या है, ये है एनसी टाइप है ये। इसमें सिर्फ हम एनसी यूज कर सकते हैं, एनओ यूज नहीं कर सकते। और इसमें कैसे क्या है, जब ये पास में आएगा तब हमारा आउटपुट जाएगा, इससे वो दो वायर है, और जब ये दूर चला जाएगा तो हमारा आउटपुट नहीं जाएगा। इसका कनेक्शन बहुत सिंपल होता है। जैसे सपोज इसके थ्रू हम कोई लाइट कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसको हम नेगेटिव में सीरीज में ऐड कर देते हैं। जैसे हमारा पावर से दो वायर आती है, एक प्लस की एक माइनस की। तो प्लस तो हम डायरेक्ट अपने लोड पे लगा देते हैं, हम लाइट हो या कुछ भी हो, और माइनस को, माइनस की जो वायर रहेगी इसको सीरीज में लगा देंगे। तो उससे क्या है, जब ये हमारा पास में आएगा तो वो चीज़ चल जाएगी, दूर जाएगा तो वो चीज़ बंद हो जाएगी। ये होता है हमारा नॉर्मली क्लोज। तो मेरे पास जैसे ये दूसरा वाला मैंने आपको दिखाया था, तो इसमें हम एनओ एनसी दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एनओ भी है हम और एनओ। इसमें देखो तीन चीज़ होता है, एक होता है हमारा इसमें कॉमन होता है, एक होता है एनसी होता है, और एक होता है एनओ होता है। इसका कनेक्शन, चलिए हम इसका देखते हैं, इसका एक्चुअल में यूज कैसे करते हैं, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अभी हमने ये अपना जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट स्विच है ये कनेक्शन कर लिया है इसका। ये हमारा आप देख सकते हैं ये एनओ एनसी टाइप है। इसमें देखिए एक ये कॉमन है और ये हमारा है एनसी है और ये हमारा एनओ है। तो अभी हमने क्या किया है, देखिए हमारे पास एक ये हमने ये पावर का अडेप्टर है, ये है, हमने 5 वोल्ट का अडेप्टर यूज़ किया है और इसमें पावर आ रही है। तो इसमें क्या किया है ये, और हमारे पास एक ये है सायरन है, ये 12 वोल्ट का सायरन है बट ये 5 वोल्ट से भी चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया है, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं, देखिए एनओ एनसी और कॉमन तीन चीज़ होती है। तो मैंने कैसे बताया था कि जो हम जैसे अभी हमको ये अपना सायरन चलाना है इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट स्विच की हेल्प से, तो क्या करना है, जो पॉजिटिव है इसमें देखिए दो तार निकली हुई हैं, इसमें एक प्लस है एक माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। हमने क्या किया है, माइनस को कॉमन से कनेक्ट कर दिया है और अभी हमने जो कनेक्ट किया हुआ है ये हुआ है एनो टाइप। तो इसको क्या है, हम सीरीज में ऐड करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं माइनस के साथ में। तो देखिए ये जैसे क्या है, मैंने ये प्लस से कनेक्ट कर दिया, इसमें ये अडेप्टर में ये अंदर का पार्ट है प्लस होता है, और बाहर का जो ये माइनस है मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो देखिए ऑन हो गया है। ऑन क्यों हो गया है, क्योंकि हमने ये एनो टाइप नहीं किया है। अब जैसे इसके हम पास में ले जाते हैं ये बंद हो जाता है। तो ये क्या है, नॉर्मली ओपन है। नॉर्मली ओपन मतलब जैसे मैंने कैसे बताया था, नॉर्मली ओपन होगा तो मतलब जब ये पास में रहेगा तो नहीं चलेगा, आउटपुट नहीं जाएगा। तो अभी जैसे ये दोनों पास में है तो आउटपुट नहीं जा रहा है, ये बंद है।
अब जैसे ही इसको हम दूर करते हैं आउटपुट जाने लगा, ये चीज़ें चलने लगी, फिर पास किया बंद हो गई। अब जैसे ही अब ये फिर हम दूर ले जाएंगे फिर ये चलने लगेगा, फिर हम ले आए तो ये फिर बंद हो गया। तो मतलब ये है हमारा एन ओ टाइप, नॉर्मली ओपन टाइप। नॉर्मली मतलब जब ये पास में है तब ये आउटपुट नहीं जाएगा, तो उसको हम नॉर्मली ओपन टाइप बोलेंगे। ठीक है, अभी जैसे हमने ये नॉर्मली ओपन किया है, चलिए अब देखते हैं हम नॉर्मली क्लोज। चलिए इसका कनेक्शन चेंज कर लेते हैं और फिर देखते हैं नॉर्मली क्लोज कैसे काम करता है। देखिए अब मैं इसको हटा देता हूँ और फिर इसका कनेक्शन चेंज करते हैं। तो ये अभी है एनओ है, एनओ से निकाल के इसको एनसी में लगा देते हैं। ये हमने निकाल लिया, इसको हम फिट कर देते हैं इसमें। ये हमने एनसी में लगा लिया है। अभी देखिए क्या होगा, ये भी हमारा नॉर्मली क्लोज है, ये हमने लगा दिया है, ये नहीं चल रहा है। अगर इसको पास में लाएंगे तो ये चल जाएगा। मतलब मैंने क्या बताया था, नॉर्मली क्लोज में क्या होगा कि जब ये पास में रहेंगे तो आउटपुट जाएगा, मतलब जब ये पास में रहेंगे तो आउटपुट जाएगा और जो भी चीज़ हमने कनेक्ट की हुई है, जो भी हमारा लोड है, वो ऑन हो जाएगा, आउटपुट चला जाएगा। तो देखिए ये हमारा ये आउटपुट जाने लगा, चलने लगा, ये नॉर्मली क्लोज है, मतलब पास में आ गया। दूर किया बंद हो गया, पास में आया चलने लगा, दूर किया बंद हो गया, पास में आया चलने लगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। देखिए इस चीज़, ये जो हमारा एन ओ एन सी टाइप है, ये दोनों ही एप्लीकेशन सबकी अलग अलग जगह है, तो बहुत सही है। तो बेसिकली जो ये है, ये हमारा मशीनों वगैरह में यूज किया जाता है, बट ये जो भी हमने नॉर्मली ओपन टाइप दिखाया था कि मतलब जैसे हमारा डोर है, विंडोज़ हैं या हमारी ड्रॉवर हैं, तो ड्रॉवर में भी लोग लगा लेते हैं। जैसे क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरा डोर है, डोर में जैसे मैंने बंद कर दिया है, लॉक करके कहीं मैं चला गया, मैं ये चाहता हूँ जैसे अगर कोई दरवाज़ा तोड़ करके, ताला तोड़ करके मेरा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे तो सायरन बज जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें ये जो अभी मैं हमने जैसे एनओ टाइप किया हुआ है, सॉरी नॉर्मली क्लोज टाइप है, एनसी टाइप है ये, तो हमें इसको एनओ टाइप करना पड़ेगा। एनओ टाइप करने से क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए अभी ये बंद, मैं कनेक्शन एक बार फिर से चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। अभी मान लीजिए मैंने दरवाजे में लगा लिए, दोनों पार्ट लगा दिए, तो शाफ्ट में दो, एक शाफ्ट में लग जाता है, एक लग जाता है पल्ले में, तो ये दरवाज़ा बंद है तो ऐसे आसपास रहेगा, ये ऐसे आसपास रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए आप दरवाज़ा बंद करके लॉक करके कहीं चले गए, अब मान लीजिए रात में कोई ताला तोड़ के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो पल्ला क्या है, दूर जाता है, तो ये जो दूसरा पार्ट पल्ले के साथ दूर जाएगा तो सायरन बजने लगेगा, सायरन बजने लगेगा, लाइट जलने लगेगी, तो क्या है, चोर को भागना ही पड़ेगा, चोर रुक नहीं सकता है। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है ना। तो ये अभी हम आप समझ चुके हैं कि बेसिकली ये कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे कनेक्शन करते हैं, तो और कैसे लोड को हम यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।